नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अशोक ईट्यूटर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मेरा नाम अशोक सैनी है और आज की इस वीडियो में समझने जा रहे हैं हाउ टू कन्वर्ट किलो वाट टू एम्पियर। इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर जो किलो वाट हमारी यूनिट रहती है उसको एम्पियर में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे उसके बारे में इस वीडियो के अंदर हम समझने जा रहे हैं। आपको बता दें, कन्वर्ट नहीं करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। हमने ऑलरेडी क्वेश्चन लिखा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एम्पियर, ठीक है, ऑफ 2 किलोवाट लोड इन डीसी सप्लाई, सिंगल फेज ए सप्लाई एंड 3 फेज ए सप्लाई। तो हम जो आपका एम्पियर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, यानी कि एम्पियर कैलकुलेट करेंगे किलोवाट हमको दिया है लोड, उससे डीसी सप्लाई, सिंगल फेज ए सप्लाई एंड 3 फेज ए सप्लाई के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक हमारा अशोक ईट्यूटर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। साथ में आपको बेल आइकन देखिए उसको प्रेस कर दें, जिससे आपके सारे नोटिफिकेशन ऑन हो जाएंगे। हमारे इस चैनल पर जब भी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं यह वीडियो, जिसमें समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम जो है एम्पियर की कैलकुलेशन करते हैं जब हमको लोड दिया हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन किया है, इसमें देख लेते हैं क्या क्या हमको गिवन किया है। आपको लोड दिया है, लोड यानी कि आपको पावर दी है P इक्वल टू 2 किलोवाट, ठीक है। और क्या दिया आपको, इसके बाद इसमें हमको करंट की वैल्यू फाइंड आउट करना है डीसी में, सिंगल फेज एसी में, 3 फेज ए सप्लाई में, ठीक है। तो चूंकि डीसी सप्लाई हम जानते हैं कि हमको बिलो दैट द पावर क्या होती है, डी सप्लाई बात करें, यहाँ लिख लेते हैं हम इन डीसी सप्लाई की यदि पहले बात करें तो यहाँ पे पावर का फॉर्मूला क्या होता है सभी जानते हैं, पी इक्वल टू हमारी होती है वी आई, वोल्टेज इंटू करंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है कि हमारे पास करंट हमको कैलकुलेट करना है, पावर हमको दी है, वोल्टेज नहीं है। तो यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूमिंग वोल्टेज कर लेते हैं कि डीसी सप्लाई में अज्यूम हमारा वोल्टेज इक्वल टू 1110 वोल्टेज है डीसी, ठीक है। इससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कर लेते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ से हमको एम्पियर निकालना है, तो क्या हो जाएगा, एम्पियर इक्वल टू यानी करंट इक्वल टू पावर अपॉन वोल्टेज, ठीक है। अब पावर की वैल्यू हमारी क्या है, यहाँ पे देखें, हम पावर दिया हमको 2 किलोवाट गिवन किया है, 2 किलोवाट लेते हैं, किलो है इसलिए इसके 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, अपॉन हमने वोल्टेज अज्यूम कर लिया 110 वोल्ट, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल कितना जाएगा हमारा, ये इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसमें डिवाइड करेंगे तो जाएगा लगभग, आप करें तो 18.18 एम्पियर, ये हमारी आ जाती है करंट की वैल्यू, किसमें, डीसी सर्किट में, डीसी सप्लाई में, इन डीसी, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं। अब हम कर लेते हैं यहाँ पे सिंगल फेस एसी में क्या रहेगा, तो सिंगल फेस एसी सप्लाई के लिए यहाँ पर कर लेते हैं कैलकुलेशन, सिंगल फेस एसी के लिए क्या होगा, चूंकि सिंगल फेस एसी सप्लाई में पावर का फॉर्मूला होता है हम सभी जानते हैं, पावर इक्वल टू होता है वोल्टेज इंटू करंट इंटू पावर फैक्टर जो कि होता है कॉस फाई, ठीक है। चूंकि इस सप्लाई में पावर फैक्टर रहता है जिसकी वैल्यू कॉस फाई होती है, तो कॉस फाई हमारा जो रहता है जनरली हम मान लेते हैं, हमारे पास ओनली सिर्फ यहाँ पर लोड दिया है और हमको सारी कैलकुलेशन अज्यूम करना है, एम्पियर की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ अज्यूमिंग कर लेते हैं हम, अज्यूमिंग या अज्यूम वोल्टेज आपका सिंगल फेस में कितना रहता है जनरली 220 से 230 रहता है, ठीक है, और थ्री फेस में आपका 415 से 440 रहता है। तो वोल्टेज मान लेते हैं कि सिंगल फेस सप्लाई में हमारा 220 वोल्टेज है और कॉस फाई यानी कि पावर फैक्टर की वैल्यू जो है वो मान लेते हैं 0.8 है, वैसे 0.8 से लेके आपका 0.99 तक कॉस फाई की वैल्यू रहती है पावर फैक्टर की वैल्यू, जिसको मेंटेन किया जाता है, एक की प्रयास करते हैं मेंटेन करने का, मेंटेन होता नहीं है लेकिन एक हम मान के चलते हैं, तो जनरली 0.8 से 0.99 होता है, ठीक है। तो 0.8 हम इसमें अज्यूम कर लेते हैं कि पावर फैक्टर 0.8 है, तो निकाल लेते हैं ऐसा कैसे कैलकुलेशन होगा, हमारे पास पावर फैक्टर है, वोल्टेज है, तो करंट वैल्यू निकाल सकते हैं और हमारे पास लोड दिया है 2 किलोवाट का, तो यहाँ से हमारा आई की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पी अपॉन आपका हो जाएगा वोल्टेज इंटू कॉस फाई, ठीक है, और लोड कितना आपका 2 किलोवाट, किलोवाट में मल्टीप्लाई करेंगे 1000 का, क्यों करेंगे, चूंकि किलो है इस कारण से, डिवाइड बाई 220 आपका वोल्टेज है और पावर फैक्टर है आपका 0.8, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो मैंने कैलकुलेशन कर रखा, आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। इसकी कैलकुलेशन के बाद आपका जो फाइनली करंट की वैल्यू आती है वो आती है 11.36 एम्पियर, ठीक है, सिंगल फेज एसी सप्लाई के लिए। सेम इसको थ्री फेज के लिए कर लेते हैं, फॉर थ्री फेज
तो थ्री फेज एसी में पावर फार्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है, यहाँ पे पावर फार्मूला हो जाता है पावर इक्वल टू रूट थ्री इंटू वी आई कॉस फाई। ठीक है, अब थ्री फेज में आपका पावर फैक्टर मान लीजिए कि हम कॉस फाई हमारा अज्यूमिंग वही 0.8 है, पावर फैक्टर तो जो है वही है, अज्यूम कॉस फाई पावर फैक्टर इक्वल टू 0.8 क्योंकि 0.8 से 0.9 रहता है, जनरली 0.8 से कैलकुलेशन करते हैं। अब यहाँ पे थ्री फेज में वोल्टेज का वैल्यू मान लेते हैं, थ्री फेज में हमारा 415 वोल्टेज है कैलकुलेशन के लिए मान लेते हैं, क्योंकि वोल्टेज वैल्यू थ्री फेज सप्लाई में 440 होती है, वैसे हम जनरली बोलते हैं 440 वोल्टेज होता है थ्री फेज में, 220 वोल्टेज होता है सिंगल फेज में, तो 415 से हम कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो करंट की वैल्यू हमको निकालना तो निकाल सकते हैं आसानी से, करंट इतने क्या हो जाएगी एम्पियर इक्वल टू हो जाएगी, देखें आप पी अपॉन आपका क्या हो जाएगा रूट थ्री इंटू वोल्टेज, वोल्टेज की वैल्यू क्या हमने 415 मान ली, इस पी की जगह रख देते हैं हम क्या 2 किलोवाट, 2 किलोवाट यानी कि 1000 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 415 इंटू पावर फैक्टर 0.8। ठीक है, अब जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे फाइनली तो कैलकुलेट आप कर लें, इसके बाद इसमें देखें पॉइंट ये हो जाएगा कितना आपका 2000 डिवाइडेड 0.3 के वैल्यू 7 की वैल्यू होती है, रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732 इंटू 415 इंटू 0.8। और जब इसको फाइनली कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा, वो आ जाएगा 3.478 एम्पियर थ्री फेज में। तो अब आप समझ गए किस तरीके से हम कैलकुलेशन करते हैं, हमको लोड दिया है, वोल्टेज हम जानते हैं, हमने डीसी में जूम कर लिया 110 वोल्ट है, सिंगल फेज एसी में कर लिया 220 या 230 रहता है, हम 220 से हमने कैलकुलेशन कर लिया, और थ्री फेज में 415 हमने कैलकुलेशन कर लिया, पावर फैक्टर 0.8 रहता है। तो इस तरीके से हमने किलोवाट से हमने एम्पियर की वैल्यू निकाल ली डीसी सप्लाई में, सिंगल फेज एसी में, थ्री फेज एसी में। तो ये हमारा टॉपिक कवर होता है हाउ टू कन्वर्ट किलोवाट टू एम्पियर। उम्मीद करते हैं आपको ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी, यदि समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन देगा तो उसको प्रेस कर दें ताकि जब भी हम नई वीडियो पब्लिश करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।